हेलो स्टूडेंट्स, तो डिफरेंशियल इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं हम, जो है डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसेबल टू लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, LD मतलब लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ऐसे डिफरेंशियल इक्वेशन जो एक्चुअल में लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, लेकिन हम उनको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कन्वर्ट कर सकते हैं, और कन्वर्ट करने का तरीका यहाँ पर सीखेंगे। तो ऐसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हमने पढ़ाया था dy/dx प्लस वाई इंटू एफ एक्स और एफ एक्स इंटू वाई इक्वल्स टू जी एक्स। इस टाइप की होती है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, एक डी वाई डी एक्स का टर्म, फिर वाई इंटू एफ एक्स एक्स, और इधर टोटली एक्स का टर्म, इधर कोई वाई नहीं आएगा, कैसे भी टाइप का। तो इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, क्योंकि ये डी वाई डी एक्स के साथ कुछ मल्टीप्लाई किया है, और यहाँ पर अभी एफ वाई वाई का फंक्शन दिया, और वो वाई भी हो सकता है, और इधर तो ठीक है। तो पहले इसको हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करेंगे। कन्वर्ट करने का तरीका क्या है? कन्वर्ट करने के लिए एफ वाई को हम टी मान लेंगे, और एफ वाई को जब हम टी मानेंगे तो ये एफ डैश वाई डी वाई बाई डी एक्स बन जाएगा डी टी वाई डी एक्स, डी टी वाई डी एक्स बन गया। तो यही तो लिखा है यहाँ पे, इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, डी टी अपॉन डी एक्स लिख देंगे। और इसके बाद टी एक्स है, एफ वाई को हमने टी मान लिया है, तो टी क्योंकि अब वाई नहीं दिखना चाहिए इसमें पूरी इक्वेशन में, क्योंकि वाई के सारे टर्म्स को हमने टी के टर्म्स में लेके आना है। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे है ये? वाई की जगह टी, तो डी टी अपॉन डी एक्स प्लस पी एक्स इंटू टी, यहाँ पर डी टी अपॉन डी एक्स है, यहाँ टी है, और यहाँ पर इंडिपेंडेंट ऑफ टी फंक्शन है, ठीक है। इसका ही एक स्पेशल केस होता है, उसको नाम दिया गया है बर्नौलीस इक्वेशन, बर्नौलीस इक्वेशन। अब ये बर्नौलीस इक्वेशन क्या है? कुछ नया नहीं है, इसमें ही थोड़ा डिफरेंट टाइप से दिया जाता है। डी वाई बाई डी एक्स प्लस यहाँ पे है वन अपॉन बाई पावर एन माइनस वन एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, और क्यू एक्स कुछ भी दे सकते हैं, जी एक्स अपॉन यहाँ पे ये बाई है, बाई पावर इसके साथ पूरा मल्टीप्लाई है, बाई पावर। ये बर्नौलीस इक्वेशन क्या है कि डी वाई बाई डी एक्स होता है प्लस बाई इंटू एफ एक्स होता है, इधर जी एक्स के साथ एक बाई होता है हमारी। इधर तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये बर्नौलीस इक्वेशन है ना, वो इस साइड तो लीनियर इक्वेशन है, लेकिन इस साइड ये नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इधर केवल x का फंक्शन होना चाहिए, और लेकिन इसमें y की पावर n भी आ रहा है। तो इससे पहले लीनियर इक्वेशन बनाना है, तो पहले y की पावर n से पूरे को डिवाइड करेंगे। डिवाइड किया तो इधर तो बन जाएगा वन अपॉन y पावर n डी वाई बाई डी एक्स, इधर बचेगा वन अपॉन y पावर n माइनस वन एक वाई कट के एफ एक्स, इधर जी एक्स। अब ये इधर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो गई, लेकिन इधर नहीं है, पहले इधर थी, इधर नहीं थी। तो अब क्या करेंगे, अब इसको हम कन्वर्ट करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। और तरीका क्या है, जहाँ पे एफ वाई है इसको टी मानेंगे। एफ वाई इस केस में वन अपॉन वाई पावर एन माइनस वन, इसको टी माना जैसा कि यहाँ पे किया था वैसे ही है। तो इसको जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा, ये ऐसे है वाई पावर माइनस एन माइनस वन, जब डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आएगा माइनस एन माइनस वन वन अपॉन वाई पावर एन डी वाई बाय डी एक्स इक्वल्स टू डी टी अपॉन डी एक्स। अब इसकी जगह पे इसको उधर भेज के पूरा रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेस किया तो ये बन जाएगा माइनस वन अपॉन एन माइनस वन डी टी बाई डी एक्स प्लस, इसको हमने टी माना है तो यहाँ पे टी लिख देंगे, तो टी इंटू एफ एक्स, एफ एक्स इंटू डी इक्वल्स टू जी एक्स। अब इससे अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं पूरी इक्वेशन को माइनस एन माइनस वन से, तो ये डी टी अपॉन डी एक्स है, इधर आ जाएगा माइनस एन माइनस वन एफ एक्स इंटू टी, और इक्वल्स टू माइनस एन माइनस वन जी एक्स। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, और सॉल्व इसको आगे कर लेंगे, ठीक है। यहाँ तक कुछ 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 क्वेश्चंस करते हैं इस पर, और पहला क्वेश्चन है इसमें,
एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस एक्स वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वेयर। तो अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इधर वाई स्क्वेयर है, इधर तो हमको एक्स का फंक्शन चाहिए रहता है टोटली, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वेयर है, डी वाई बाई डी एक्स है, हमको तो केवल डी वाई डी एक्स होता है तो आसान होता है, तभी तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। तो सबसे पहले इसको एक्स स्क्वेयर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इससे इसको पहले डी वाई बाई डी एक्स बनाते हैं। एक्स स्क्वेयर से डिवाइड किया तो ये डी वाई बाई डी एक्स हो गया, और इधर ये बाई अपॉन एक्स हो जाएगा, और इधर हो जाएगा ये बाई अपॉन एक्स का होल स्क्वेयर। यहाँ से इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, क्योंकि यहाँ पे हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन से ही करेंगे। यहाँ पे इसको डी बाई अपॉन एक्स को टी मान के भी कर सकते हैं, एक बार ट्राई करना। मैं लेकिन इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करूँगा इसको, तो यहाँ पे हम इसको बाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि इधर हमको केवल एक्स का फंक्शन चाहिए। बाई स्क्वायर से डिवाइड किया तो ये वन अपॉन बाई स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स प्लस वन अपॉन बाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर। अब ये बर्नौलीस इक्वेशन है, क्योंकि यहाँ पे देखो पावर एक ज़्यादा होगी हमेशा, यहाँ पे जो है ना बाई की पावर उससे डिनोमिनेटर में ऑब्वियसली एक पावर ज़्यादा होगी, क्योंकि जो डेरिवेशन है उसमें देख लो बाई पावर एन माइनस वन और ये बाई पावर एन है, तभी हम इसको टी मान के करेंगे। तो इस केस में अब हम इसको हम रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और वो कैसे करेंगे, वन अपॉन बाई को टी मान के, वन अपॉन बाई को टी माना माइनस वन अपॉन बाई स्क्वेयर डी बाई बाई डी एक्स हो जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स। तो इसकी जगह माइनस डी टी अपॉन डी एक्स और ये टी अपॉन एक्स हो जाएगा प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई, तो अब ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के मेथड से इसको सॉल्व कर लेंगे, और थोड़ा डी टी अपॉन डी एक्स को पॉजिटिव बना के लिखाती है माइनस टी अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका, सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते हैं, और वो हो जाएगा e की पावर माइनस इंटीग्रेशन ऑफ पी एक्स, पी एक्स है यहाँ पे माइनस वन अपॉन एक्स डी एक्स, तो आ जाएगा e पावर माइनस लॉग एक्स जिसकी वैल्यू वन अपॉन एक्स होती है। ये माइनस उधर ले जाएंगे तो वन अपॉन एक्स, ई और लॉग कट जाएगा तो वन अपॉन एक्स बच जाएगा। आगे फॉर्मूला होता है टी इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्यू एक्स मल्टीप्लाइड विद इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन टी अपॉन एक्स है इधर तो, और इधर ये आएगा माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस वन बाई टू वन अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस सी। टी टी हमने क्या माना था, टी हमने माना था वन अपॉन बाई, तो वन अपॉन बाई को टी की जगह वन अपॉन बाई लिख देंगे, वन अपॉन एक्स इन टू बाई वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस, ये इसका आंसर है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डी वाई बाई डी एक्स प्लस बाई अपॉन एक्स लॉग बाई इक्वल टू बाई अपॉन एक्स स्क्वेयर लॉग वाई होल स्क्वेयर। इसमें डी वाई बाई डी एक्स का कोफिशिएंट तो वन है, लेकिन ये जो चीज़ें लिखी हैं वो समझ में नहीं आ रही, अजीब सी लिखी है ना, अजीब सी है। तो पहले सबसे पहले हमको इधर याद रखना है कि एक्स का ही फंक्शन चाहिए, एक्स का फंक्शन चाहिए, तो इसको जो भी है उस पूरे से बचा हुआ है उससे डिवाइड कर देंगे पूरी इक्वेशन को, और वो क्या है बाई लॉग एक्स लॉग वाई स्क्वेयर, बाई लॉग वाई स्क्वेयर से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा वन अपॉन बाई लॉग वाई स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स प्लस, यहाँ पे बाई कट जाएगा एक लॉग वाई कट जाएगा तो बचेगा वन अपॉन लॉग वाई इंटू वन अपॉन एक्स इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। इधर तो हो गया लेकिन इधर नहीं हुआ, तो अब इसको रिड्यूस करेंगे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में, और वो कैसे करते हैं, एफ वाई को टी मान के, एफ वाई क्या है वन अपॉन लॉग वाई टी,
ऐसा करने से क्या होगा, ये जो पूरा है ना वो डी टी अपॉन डी एक्स में कन्वर्ट होगा, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन होता है माइनस वन अपॉन लॉग वाई स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई वन अपॉन बाई डी वाई बाई डी एक्स, चैन रूल लगा के आ जाएगा डी टी अपॉन डी एक्स इधर। अब यही तो लिखा है इधर माइनस के साथ, तो माइनस ले जाएंगे इधर, तो माइनस डी टी अपॉन डी एक्स इस पूरे से रिप्लेस कर सकते हैं। तो माइनस डी टी अपॉन डी एक्स प्लस, इसको हमने टी माना था, वन अपॉन लॉग वाई को टी माना था, लॉग वाई को टी नहीं माना था, तो वन अपॉन टी एक्स नहीं आएगा, टी अपॉन एक्स आएगा, इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वेयर। डी टी अपॉन डी एक्स माइनस टी अपॉन एक्स इक्वल्स टू माइनस वन अपॉन एक्स, ये तो यही बन गया, कहाँ है ये रहा, ये और ये सेम है, तो सॉल्यूशन भी सेम आएगा यहाँ तक। तो इसके बाद ये वन अपॉन एक्स स्क्वेयर था, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद बस टी की वैल्यू यहाँ पे वन अपॉन बाई थी, यहाँ पे वन अपॉन लॉग बाई है, तो बस उसका याद रखना है। तो एक्स टी की जगह मैं ये लिख दे रहा हूँ, टी की जगह फिर टी अपॉन एक्स सॉल्यूशन है इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी, तो टी की जगह बस यहाँ पे वन अपॉन लॉग वाई आएगा, वन अपॉन एक्स इंटू लॉग वाई इक्वल टू वन अपॉन टू एक्स स्क्वेयर प्लस सी, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट टॉपिक है इसमें एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशंस। एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हैं, या फिर वैसे बोला जाए तो फार्मूला बोल सकते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूला हैं जिनको हम डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते समय यूज करते हैं। अपने आप में क्वेश्चंस भी होते हैं, ये छोटे छोटे एग्जाम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं ऐसे ही। तो जैसे पहली इक्वेशन है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, इसको डायरेक्ट हम डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स वाई लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ पे भी ऐसा लिखा होगा ये, क्योंकि जब क्वेश्चन में आएगा तो बहुत बड़ा लिखा होगा ये, और उसको हम शॉर्ट में इतना लिख सकते हैं। इतना लिखने से कि इसके बाद जब इंटीग्रेट करेंगे तो सीधे एक्स वाई आएगा। और इसका प्रूफ क्या है, प्रूफ ये है कि इसमें अगर प्रोडक्ट रूल लगाएंगे डिफरेंशिएशन का, तो यहाँ से ये ऑब्टेन कर सकते हैं। सिमिलरली ये है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वेयर, ये लिखा होगा उसकी जगह ये लिखेंगे, ना कि ये लिखा होगा तो ये लिखेंगे, याद रखना है, क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन काम अपना आसान करना है हमको, डिफिकल्ट नहीं। तो यहाँ से अगर डिफरेंशिएशन ये कोएफिशिएंट रूल और डिवीजन रूल डिफरेंशिएशन लगाएंगे तो यहाँ से ये मिल जाएगा। सिमिलरली ये वाई अपॉन एक्स के लिए है, ये एक्स अपॉन वाई के लिए है, तो इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं डायरेक्ट। ऐसे ही एक्स डी एक्स प्लस माइनस या प्लस बाई डी वाई, प्लस या माइनस हो तो यहाँ पर प्लस माइनस आ जाएगा, और ये होता है डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वेयर प्लस माइनस बाई स्क्वेयर का, एक्स स्क्वेयर का टू एक्स और वाई स्क्वेयर का टू बाई वन बाई टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही एक्स डी वाई माइनस बाई डी एक्स अपॉन एक्स वाई लिखा हो तो इसको थोड़ा, ये भी एक क्वेश्चन सॉल्व कर दिया वैसे तो, लेकिन थोड़ा बड़े क्वेश्चन होते हैं तो स्टैंडर्ड रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं, और ये अपने आप में क्वेश्चन भी है तो याद होगा तो अच्छी बात है, सॉल्व करना है तो और अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पे फॉर्मूला की तरह लिखा है, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बोल रहे हैं, तो ज़्यादा अच्छा यही है कि याद रखो ये पाँच हैं, ज़्यादा नहीं है, और बहुत बना भी सकते हैं ऐसा, मैंने यहाँ पे पाँच ही लिखे हैं, और भी बना सकते हैं, कैसे बनाते हैं वो भी समझ लो। देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपन एक्स वाई है, तो इसमें क्या किया हमने, एक्स एक्स से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वायर बनेगा, वाई अपन एक्स बन गया। अब इस पूरे को देखें, इतना इतना क्या है ये, इतना तो ये यहाँ से लिया गया है, ये वाला पार्ट ये वाला है, इसको तो हम डी ऑफ वाई अपन एक्स, वाई अपन एक्स डिनोमिनेटर में था, तो ये तो लॉग वाई अपन एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया। तो इतने बड़े इतना लिखा हो, या फिर यहाँ कहीं पे ऐसा लिखा हो, या कहीं ऐसा लिखा हो, तो उसकी जगह हम डी ऑफ लॉग वाई अपॉन एक्स, तो बेसिकली ये चार रिजल्ट है लेकिन एक ही में लिखे हैं। ठीक है, कहीं ऐसा लिखा हो, ऐसा लिखा हो, या फिर ऐसा लिखा हो, सबकी जगह हम डी ऑफ लॉग वाई अपॉन एक्स लिख सकते हैं, और वहाँ पर देख लेंगे क्वेश्चन में क्या ज़रूरत है। हो सकता है कि केवल यहाँ तक ज़रूरत पड़े, क्वेश्चन कैसे दिया, वाई अपॉन एक्स के फॉर्म में दिया तो यहाँ तक जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट है एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स अपॉन एक्स बाई हो, तो क्या करते हैं, तो ये तो पहला वाला है एक्स डी वाई प्लस बाई डी एक्स, जिसको हम डी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे, और एक्स वाई डिनोमिनेटर में तो ये लॉग एक्स वाई बन जाएगा। ठीक है, इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, अपने आप में क्वेश्चन है फिर से बोल रहा हूँ मैं।
और भी क्वेश्चंस में कैसे यूज होते हैं वो देख लेते हैं। यहाँ पे ये लिखा है इक्वेशन एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स वाई ई पावर वाई डी वाई इक्वल्स टू जीरो। तो अगर इसको देखें ये अपने आप में होता है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि कब क्या यूज करना है। हम कभी कभी गलत यूज कर लेते हैं और उसकी वजह से हम फंस जाते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको डी ऑफ एक्स वाई लिख देंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, तो क्या करना पड़ेगा, पहले इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। क्योंकि क्या है कि चलो यहाँ पे डी ऑफ एक्स वाई बन जाएगा, उसको तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, लेकिन इसको इंटीग्रेट नहीं कर सकते क्योंकि इसमें एक्स बाई ई पावर बाई और डी वाई है उसके साथ। केवल वाई के टर्म्स होते हैं तो कर सकते थे इंटीग्रेट, लेकिन उसमें एक्स है तो एक्स को हटाएं। अगर एक्स से डिवाइड करेंगे तो ऐसा कोई फॉर्म नहीं है जिसमें केवल डिनोमिनेटर में एक्स आता हो। तो एक्स वाई, हाँ एक्स वाई वाला आता है, एक्स वाई वाला यहाँ पे है, यहाँ पे है, वो देख लेंगे कौन सा फॉर्म बन रहा है। तो इसको एक्स वाई से डिवाइड करेंगे ना, तो इसको डी ऑफ एक्स वाई लिखेंगे ना ही इसको केवल एक्स से डिवाइड करेंगे, इसको पूरे एक्स वाई से डिवाइड करेंगे। एक्स वाई से डिवाइड किया तो ये बन जाएगा एक्स डी एक्स एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स वाई, और इधर बचेगा ई पावर वाई डी वाई जीरो अपन समथिंग ये ऑलवेज जीरो। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कौन सा फॉर्मूला है लास्ट वाला, लॉग, इसके लिख देंगे डी ऑफ लॉग एक्स बाई प्लस ई पावर बाई डी बाई फिर से जीरो, इंटीग्रेट कर देंगे हम इसको। इंटीग्रेट किया तो इधर तो डी हट जाएगा, लॉग एक्स बाई बचेगा केवल, और इधर ई पावर बाई का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब सेम होता है, इधर सी ये इसका आंसर। और क्वेश्चन करते हैं, एक इधर करते हैं, इसकी जरूरत पड़ेगी रिजल्ट की। टू एक्स लॉग वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन बाई प्लस पी बाई स्क्वेयर डी बाई इक्वल्स टू जीरो। अभी जैसे टू एक्स लॉग वाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वेयर अपॉन बाई प्लस थ्री एक्स टू डी, क्वेश्चन जब एग्जाम में आएगा तो ऐसे आएगा, और तब तक हमने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ चुके होंगे। अभी तो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं तो हमको पता है कि चलो इसको इस फॉर्म में एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है और उसके बाद सॉल्व करना है, लेकिन अगर एग्जाम में आएगा तो कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि हाँ वही करना है। तो सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई करना है, अगर एग्जैक्ट डिफरेंशियल फॉर्म बन रही होगी तो उसके लिए मल्टीप्लाई करके पता करेगा पता चलेगा, नहीं तो या फिर डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे तो डी वाई बाई डी एक्स निकालने से कोई फायदा नहीं है। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करेंगे और एक बार डी वाई बाई डी एक्स निकाल के भी चेक कर सकते हैं। अंदर मल्टीप्लाई किया था दर्द, ये टू एक्स लॉग बाई डी एक्स हो गया, और ये बन जाएगा एक्स स्क्वेयर अपॉन बाई डी वाई प्लस थ्री वाई स्क्वेयर डी वाई, तो इसका इंटीग्रेट, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं इजीली बाई की अपॉन थ्री, लेकिन इन यहाँ पे एक्स बाई दोनों हैं, यहाँ पे एक्स वाई दोनों हैं, तो कुछ बनता दिख रहा है क्या, क्या हम बोल सकते हैं ये किसी का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है, तो डिफरेंस किसका बनेगा, ये क्या ये एक्स स्क्वेयर लॉग वाई का डिफरेंशिएशन है। देखो टू एक्स लॉग वाई प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो टू एक्स लॉग वाई डी एक्स प्लस वाई के रेस्पेक्ट में एक्स स्क्वेयर अपॉन बाई डी वाई प्लस थ्री वाई स्क्वेयर डी वाई इक्वल्स टू जीरो। अब इंटीग्रेट कर दें, इंटीग्रेट करें तो ये तो डायरेक्ट एक्स स्क्वेयर लॉग वाई बन जाएगा, ये वाई क्यूब इक्वल टू सी, ये इसका आंसर। ठीक है,